डायबिटीज डे के मौके पर इंदौर पुलिस द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का आयोजन शहर भर के थाने के पुलिस कर्मियों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर का आयोजन इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम पर भी किया गया, जिसमें सभी पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण में उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच हुई और इस तरह का एक अभियान पूरे इंदौर के थाने पर भी चला। इंदौर के सभी थाने पर तैनात पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उनकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। वर्ल्ड डायबिटीज डे के उपलक्ष्य में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिस की विभिन्न थानों में, पुलिस की विभिन्न कार्यालयों में और पुलिस की विभिन्न शाखाएं, पुलिस लाइन, एसपी ऑफिस इत्यादि में ये डायबिटीज कैंप लगाए गए हैं। ये अपना मेडिसिन क्लिनिक के सहायता से ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग प्रत्येक थाने के जो भी कर्मचारी जिनकी एज 40 साल से ज़्यादा है या इसके अलावा भी अन्य कर्मचारी इसमें शामिल हो रहे हैं। लगभग हमारा उद्देश्य इसमें 50% पुलिस कर्मचारियों का डायबिटीज चेक करवाना है। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस कर्मी काफ़ी जॉब करते हैं, जॉब के दौरान उनको कई तरह की बीमारी सामने आती है, तो क्या बेसिकली वरिष्ठ अधिकारी, अभी एसएसपी मैम का भी आदेश हुआ है, शासन के भी निर्देश हैं कि सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिए जाएं। इसके अलावा विभिन्न इकाइयों में, विभिन्न थानों में खेल कूद समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। इसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संबंधित थाने, जिन थानों में जगह है, स्थान है जहाँ पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता और अन्य ऐसी खेलों की अगर एक्टिविटीज हो सकती हैं, इसको बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमारे पुलिस कर्मचारी शारीरिक रूप से तो मजबूत होंगे, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे।